जी हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन थी इसमें और इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स पूरे किए वो सारे कवर किए, इस लेक्चर में हम और उसमें हमने नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कवर करेंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म करने से पहले जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो है या रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम फंक्शनल डिपेंडेंस पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं और थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले, फर्स्ट तो हो गई ना, अब सेकंड पढ़ने से पहले एक दफा हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी या पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है जिसको हमने रिमूव करना है, ठीक है, इसको देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी को सबसे पहले अगर देखें तो ये होता है कि एट्रीब्यूट्स जो रिलेशन में, रिलेशन क्या बात हो रही है, रिलेशन टेबल है और एट्रीब्यूट्स उसके कॉलम है, तो एट्रीब्यूट्स का के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उनको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। मतलब अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें पता हो तो हम बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने ना एक ये ऐसे जनरल सी एग्जाम्पल ली हुई है कि फॉर एग्जाम्पल दो एट्रीब्यूट थे, एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी। एट्रीब्यूट ए की वैल्यू हमें पता है, एट्रीब्यूट बी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम ए की वैल्यू अगर पता हो तो बी की उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है ये इससे क्या कह सकते हैं हम, इसको इस तरह से कहेंगे कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन ए, बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन ए। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना बी ए, आगे आपके पास एक एरो आ जाएगा और एरो के आगे बी आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना इस रिलेशन की, ए है, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ए है, तो इसको ए जो है ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ठीक है। वो एट्रीब्यूट्स जो एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हो वो डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। ये ज्यादातर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइमरी की होती है, ज्यादातर हमेशा जो है ना इधर प्राइमरी की होती है, ये एक या एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स भी हो सकते हैं, अलाउ करता है। सो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, हाँ जी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास रिलेशन है, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या है, स्टूडेंट नाम का रिलेशन है। इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स यानी फील्ड्स कह लें, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फोन, ये चार एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इनमें से आपको क्या लग रहा है कौन सी प्राइमरी की होगी, इनमें से रोल नंबर ऐसा फील होता है कि ये रोल नंबर प्राइमरी की होगी, रोल नंबर ही होगी, जाहिर है कि नेम जो है वो यूनिक नहीं हो सकते, एक ही नाम की कई लड़कियां मौजूद हो सकती हैं, रोल वो प्राइमरी की शर्त है ना, ये कंडीशन है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए और प्राइमरी की में कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा इसी तरह मार्क्स भी, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स 100 है तो वो 100 कई बच्चों के हो सकते हैं, सही है। इसी तरह फोन नंबर भी, दो बहनें इकट्ठी हों एक क्लास में तो फोन नंबर भी मैच कर सकते हैं, तो इसी तरह इसीलिए इसमें रोल नंबर जो होगा वो कभी किसी का मैच नहीं करेगा, यूनिक होगा, इसलिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया जा सकता है इस रिलेशन में, ठीक है। अब इसको अगर हमने फंक्शनली डिपेंडेंसी लिखनी है इसकी, तो आप कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, जैसे आपने ये ए एरो बी लिखा था, इस फॉर्म में आप रोल नंबर लिखेंगे डिटर्मिनेंट की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे, आगे एरो डाला और उसके बाद बाकी वो एट्रीब्यूट्स जिनको रोल नंबर से ऑब्टेन किया जा सके वो सारे यहाँ पे लिख देंगे, नेम, मार्क्स और फोन नंबर, ठीक है। ये डिपेंडेंसी शो करने का एक तरीका है, डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब क्या है कि आपके अगर आपको किसी का रोल नंबर पता हो कि रोल नंबर 1305, तो आप वहां से उसका नाम, उसके मार्क्स और फोन नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं ना, ले सकते हैं ना, ये कह सकते हैं ना 1305 का डिटेल्स दे दे, ठीक है। तो इस तरह से रोल नंबर जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अच्छा अ रोल नंबर एन एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन टू और मोर एट्रीब्यूट्स, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे हो सकता है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, विच इज पार्शियल डिपेंडेंसी। अभी हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी की थी, अब हम पार्शियल डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी कहती है जिसमें एक या एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स किसे कह रहे हैं हम, एक तो होता है ना प्राइमरी की, प्राइमरी की के अलावा बाकी जितने एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की के अंडर नहीं आते उन्हें नॉन की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं,
ठीक है, वो सारे के सारे जितने नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंड ना करें, बल्कि कोई किसी आधे आधे डिपेंड करें, उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो प्राइमरी की है ना वो कंपोजिट की होगी। कंपोजिट की का क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा कीज को मिला के जो एक प्राइमरी की बनती है वो होगी। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक रिलेशन है, ये रिलेशन है इम्प्लॉय का। इसके अंदर इम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, कोर्स और डेट कंप्लीटेड। यही ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसी को लेके हम आखिर तक चलेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप नोट करें, इन्होंने साथ टेबल भी बना दिया, साथ कुछ डेटा भी दे दिया। इसमें इम्प्लॉय आईडी और कोर्स, ये दोनों मिला के प्राइमरी की बनी है। अकेली एक प्राइमरी की नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप नोट करें, इम्प्लॉय आईडी में ये वाला जो IT301 ये रिपीट हो रहा है, ये तीन दफा रिपीट हो रहा है, दो दफा रिपीट हो रहा है, एक दफा है, मतलब तीन एंट्रीज है इसकी टोटल। तो इसलिए ये यूनिक नहीं है। तो खाली इम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पे हमने फिर कोर्स के साथ इसको जो है ना, कोर्स के साथ मिला के प्राइमरी की बना दिया। कैसे? देखें, ये पहला एक ये था IT301, इसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स। IT301 और विजुअल बेसिक दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये यूनिक होगा। दो इकट्ठी मिला के यूनिकनेस बना रही है, अकेले अकेले यूनिकनेस नहीं बना रही। सही है। तो इसलिए दो को इकट्ठा मिला के यूनिक। अब आप देखें, नोट करें, ये यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल था। अब हम अगर इसमें गौर करें, इसमें कौन कौन सी कीज की एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट कौन सी हैं जिसके अंदर जिसके ऊपर अंडरलाइन हुआ है? एक ये एम्प्लॉय आईडी और दूसरी कोर्स, ये दोनों की एट्रीब्यूट्स हैं। और बाकी जितनी है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट कंप्लीटेड, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब हमने पहले देखते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमारा डिटर्मिनेंट है। सही है। एम्प्लॉय आईडी पे कौन कौन से नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं? नेम, अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता हो आप उसका नेम निकलवा सकते हैं। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट निकलवा सकते हैं। और सैलरी, सैलरी भी निकलवा सकते हैं। मैं अगर कहूं कि एम्प्लॉय आईडी का मुझे एम्प्लॉय नंबर वन, इसका नाम भी नाम बता दो, आपको एम्प्लॉय का नंबर पता है, एम्प्लॉय आईडी पता है विच इज वन, तो आप उसका नाम हासिल कर सकते हैं ना। आपको पता हो एम्प्लॉय आईडी का, मुझे डिपार्टमेंट बता दो। एम्प्लॉय वन का मुझे डिपार्टमेंट बता दो, वो भी आप पता कर सकते हैं। एम्प्लॉय वन की सैलरी कितनी है, वो भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं एम्प्लॉय वन का डेट कंप्लीटेड बता दो, वो ये तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है ना, कि क्या डेट कंप्लीट? भाई डेट कंप्लीट का क्या मतलब है? एम्प्लॉय वन का डेट कंप्लीट कौन सी, किस चीज की डेट कंप्लीट हुई है, किस डेट, किस चीज की बात हो रही है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो डेट कंप्लीटेड एट्रीब्यूट है ना, ये एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये किसके ऊपर कर रहा है? हम, हाँ, ये कहेगा कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर वन ने कोर्स एमएस ऑफिस किस डेट को कंप्लीट किया, यानी कि जो डेट कंप्लीटेड एट्रीब्यूट है वो कोर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। समझ आ रही है इस बात की? देखें, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखिए, ये एरो आ गया, एरो के बाद जो कौन सा एट्रीब्यूट, डेट कंप्लीटेड का एट्रीब्यूट, डेट कंप्लीटेड का एट्रीब्यूट इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि नेम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, सैलरी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो डेट कंप्लीटेड वाला है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, कोर्स के ऊपर भी और एम्प्लॉय आईडी के ऊपर भी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी यही कहती है कि ऐसी नॉन की एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स जो कि सारी की सारी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, बल्कि कुछ एक एक हिस्से पे, पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही हो। जैसे आपने देखा, ये तीन एट्रीब्यूट्स जो नॉन की एट्रीब्यूट्स थे, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स पे नहीं कर रहे, जबकि डेट कंप्लीटेड कोर्स और एम्प्लॉय आईडी दोनों पे कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी अकर हो गई है, पार्शियल डिपेंडेंसी आपको शो हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी से कौन कौन सी अनोमलीज आ सकती हैं, इसको एक दफा देख लेते हैं। टेबल वही है, एग्जांपल उसी को लेके चलेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहता है? क्रिएट्स रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्रिएट करता है, ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्रिएट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी अनोमलीज आ सकती है जब भी उस रिलेशन जिसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है उसको अपडेट किया जाए।
ठीक है, अपडेशन से अनोमलीज अकर हो सकती है। सबसे पहले आ जाता है इंसर्शन अनोमली, फिर डिलीशन अनोमली और मॉडिफिकेशन। इंसर्शन में क्या होता है कि अगर इंप्लॉय रिलेशन में आपने कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको लाजमी इंप्लॉय आईडी में और कोर्स में वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप नल नहीं कर सकते, वजह क्योंकि ये प्राइमरी की है, मतलब दो कंपोजिट दो कीज मिलके जो प्राइमरी की बना रही है, तो इसके अंदर बहरहाल ये शर्त है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी आ जाती है डिलीशन अनोमली, तो अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप उसके उसमें से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये MK101 राशिद अहमद, इसको आपने डिलीट किया है तो आप इसका ये सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। या अगर आप ये ताहिरा वाला करते हैं, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो आपने क्या डिलीट कर दिया, ये डेट कंप्लीटेड, ये लॉस हो गया, ये अब ये आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी रिकॉर्ड तो आपको मिल जाएगा ना, ये ताहिरा के 3 रिकॉर्ड पड़े थे, बाकी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने ये राशिद अहमद वाला डिलीट किया तो आपका सारा रिकॉर्ड ही लॉस हो गया, आपका ये इंप्लॉय आईडी और ये सब कुछ लॉस हो जाएगा। इसी तरह तीसरी एनोमली क्या थी कि अगर आप मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या मॉडिफाई किया, आप जैसे ताहिरा का डिपार्टमेंट चेंज हो गया, वो पहले कंप्यूटर में थी, अब वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में आ गई है, तो आपको इसको 3 जगहों पे इसको चेंज करना पड़ेगा, नीचे इधर भी इस, क्योंकि इसके 3 रिकॉर्ड्स मौजूद है। अगर आपने इसको नहीं हर जगह पे चेंज किया तो इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है, इसको मल्टीपल रोज में इसको अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। इस ये अनोमलीज आ जाएंगी। इस अनोमली को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना होगा। देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हो गई है ना, सेकंड पे आ जाए, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इसी एग्जांपल को लेके हम चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये होती क्या है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कोई भी रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा पहले से ही। दो कंडीशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने की। पहली कंडीशन है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, सॉरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, यानी अगर कोई भी आपने आपको कहा जाता है कि इस रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आए, तो उससे पहले आपको उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा, ठीक है, अगर वो नहीं है तो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की, कि उसके सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है और फुली फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रखना है, ठीक है। ये ना हो कि आधे एट्रीब्यूट्स एक की के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, आधे किसी और के ऊपर कर रहे हो, सारे के सारे एक के ऊपर ही डिपेंड करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस क्या है कि प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट हो प्राइमरी की। कंपोजिट अगर कीज आ रही है तो उसको कोशिश की जाती है रिमूव किया जाए, ठीक है, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी को एक्चुअली रिमूव किया जाता है। वैसे कंपोजिट कीज भी आ सकती है इसमें, आगे एक एग्जाम्पल करेंगे ना हम, उसमें देखते हैं। फिर है नो नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन रिलेशन। नॉन की एट्रीब्यूट्स कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो किसी के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, और हर नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो आप लोग अभी करके आए हैं, जिसमें क्या है कि वही वाला सेम टेबल है जिसमें बताया गया है कि इम्प्लॉय आई डी जो की, इसमें दो कीज है, कौन कौन सी, इम्प्लॉय आई डी और कोर्स, और नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट कंप्लीटेड। तो अब इम्प्लॉय आईडी के ऊपर कौन कौन सी डिपेंड कर रही है, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, जबकि डेट कंप्लीटेड जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो इम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये अनोमलीज वही है जो हम पढ़ के आए हैं अभी, कौन कौन सी अनोमलीज अकर हो सकती है। एक इंसर्शन अनोमली है कि जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर करेंगे तो लाजमी प्राइमरी की देनी पड़ेगी, यानी इम्प्लॉय आईडी और कोर्स जो है आपको लाजमी एंटर करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। डिलीशन अनोमली क्या कहती है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड या पर्टिकुलर डेट डिलीट करते हैं तो उससे आप इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली डेट अगर आपने डिलीट की है तो डेट के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास इम्प्लॉय नंबर, इम्प्लॉय का नाम, कौन से डिपार्टमेंट, सैलरी, ये सब कुछ डिलीट हो सकता है सिर्फ एक डेट डिलीट करने की वजह से।
और मॉडिफिकेशन एनोमली क्या कहती है कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करना है और अगर वो मल्टीपल रोज में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मौजूद है तो हर रिकॉर्ड रो में उसका डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी अगर हो सकती है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? एक काम, इसका सोल्यूशन पता है क्या है? आप टेबल को तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे? आप दरमियान से हाफ कर दें, दरमियान से नहीं, बिल्कुल दरमियान से नहीं। अब देखें, आप गौर करें, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये तीन जो है पूरी की पूरी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपने इधर दरमियान से टेबल को तोड़ दिया, क्या किया, ये 1, 2, 3, 4, ये चार आपके पास जो जो ये जो चार आपके पास कॉलम्स है ना, इनको अलहदा कर लें और इनमें जो रेपिटेशन हो रही है, रिडंडेंसी आ रही है, उसको अलहदा कर लें। जैसे आपके पास वॉर करें, ये आपके पास तीन दफा रिकॉर्ड है तो ये दो दफा वाले को डिलीट कर दें, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, एक एम्प्लॉय का टेबल बन गया। अब आपने ये दूसरा टेबल अलग से, इसमें क्या आ गया, कोर्स और डेट कंप्लीटेड। अब इसको पिछले टेबल के साथ, इस टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए आप एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे फॉरन की के तौर पर ले आए, ठीक है। इधर प्राइमरी की है, इधर लाके फॉरन की के तौर पे ले आए। और फिर आपने क्या किया कि ये वाला एक अलग टेबल कोर्स का बन गया। इसको आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पे इन्होंने बनाया है। ये देखें, पहला टेबल एम्प्लॉय का अलग कर दिया, जिसके अंदर नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये अलग से आ गया। समझ आ रही है बात की? देखें ना, अब ताहिरा का तीन रिकॉर्ड थे, अब तीन की बजाय रिडंडेंसी रिमूव हो गई, एक ही दफा रिकॉर्ड आ गया, सही है। तो ये यहाँ पे इसकी प्राइमरी की कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी। अब एक दूसरा टेबल है, दूसरे इस टेबल को जो आपने दरमियान से तो नहीं, एग्जैक्ट हाफ से तो नहीं, मतलब आपने उसको काटा था ना टेबल को, तो आपने क्या किया कि वो टेबल, एक टेबल तो ये हो गया, अब दूसरा टेबल जो है दूसरी साइड वाला हिस्सा, उसके अंदर क्या था, कोर्स और डेट कंप्लीटेड, ये एज इट इज सारा का सारा आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपने इस टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ कनेक्ट करना है, जाहिर है क्योंकि ये इकट्ठा था, जब इसको तोड़ा है तो इसको अलहदा अलहदा तो नहीं ना कर देंगे, इसको कनेक्ट भी तो करना है ना किसी तरह। तो आपने क्या किया, इधर का जो एम्प्लॉय आईडी था, जो यहाँ प्राइमरी की था, यहाँ आके फॉरन की बन गया, ये एम्प्लॉय आईडी डाल दिया यहाँ पे। अब आपके पास प्राइमरी की कौन सी है, अब ये दो मिला के बनेगी, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स। ये देखें, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स। अब देखें, गौर करें कि ये वही रिकॉर्ड है, अब इसमें बेशक रेपिटेशन आ जाए क्योंकि ये अब कोर्स के साथ मिलके बना हुआ है, सही है, कोर्स के साथ मिलके प्राइमरी की बन रही है। अच्छा, अब इसका क्या है, ऊपर कंडीशन देखें, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि जैसे ये एम्प्लॉय वन जो टेबल था, रिलेशन है, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी है ना, जो कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट नहीं है। अब और जो रिलेशन कोर्स है, इसके अंदर आप नोट करें कि जो डेट कंप्लीटेड है, डेट कंप्लीटेड वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब एम्प्लॉय आईडी और कोर्स। अब कोई ऐसा नया एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है जो कि किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, जो सिर्फ कोर्स पे कर रहा हो और एम्प्लॉय आईडी पे ना कर रहा हो, मतलब कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है। अब इसके अंदर जो इधर गौर करें, ये जो एम्प्लॉय वन है ना टेबल, इसके अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है, कौन कौन से, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, वो प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंड कर रहे हैं। प्राइमरी की कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी। अब दूसरा कोर्स का टेबल आ जाए, इसके अंदर नॉन की एट्रीब्यूट कौन से हैं, सिर्फ डेट कंप्लीटेड है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फुली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे। और गौर करें, इधर प्राइमरी की दो से मिलके बनी हुई है, तो ये फुली डिपेंड कर रहा है इन दोनों कीज के ऊपर। तो कंडीशन फुलफिल हो गई ना, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है, पार्शियल अब नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि आधे नॉन की एट्रीब्यूट एक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आधे किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अब पार्शियल रिमूव हो गई है। तो चूंकि अब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। फिर इसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हाँ जी, अब हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करनी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है। तो इससे पहले कि हम थर्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करें, पहले देख लेते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। ट्रांजिट, हमने अभी तक फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी ना, फंक्शनल या पार्शियल फंक्शनल, या नहीं, मतलब कि फंक्शनल पढ़ी थी और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हर नॉन की एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट पे फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, यही पढ़ा था ना। अगर नहीं है, पार्शियली यानी आधे नॉन की एट्रीब्यूट किसी एक
की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, आधे किसी एक पे है, तो फिर आप उसको टेबल इस तरह से जो है टेबल को आप ब्रेक डाउन करते हो कि आपके सारी नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो की एट्रीब्यूट्स पे। सही है, बिल्कुल इसी तरह। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहता है दो या दो से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाएगी, मतलब कि ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें दो या दो से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यही एग्जांपल हम लेके चलेंगे आगे भी। ये आपके पास है कस्टमर नंबर, ये कोई सेल्स का टेबल है, ठीक है। कस्टमर नंबर ये प्राइमरी की है, ये हमें कहां से पता चला, ये नीचे ये देखेंगे अंडरलाइन हुआ है, जो अंडरलाइन होता है इसका मतलब है कि वो प्राइमरी की है, या आप उसको की एट्रीब्यूट कह लें, ठीक है। जो अंडरलाइन नहीं हुए हुए वो सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें नॉन की एट्रीब्यूट्स में कस्टमर नेम, सेल्समैन और रीजन आ जाता है। अब आप गौर करें कि कस्टमर नंबर पे कस्टमर नेम डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सेल्समैन डिपेंड कर रहा है कि सेल्समैन ने कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को बेचा ये, लेकिन जो रीजन है ना, ये रीजन सेल्समैन का रीजन है, ये रीजन कस्टमर नंबर का रीजन नहीं है। अगर आप गौर करें तो देखें जो रीजन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अहमद है, तो इन्होंने कहा अहमद साउथ रीजन में काम कर रहा है, ठीक है। दोबारा अहमद आया, अहमद साउथ रीजन में है, लेकिन कस्टमर चेंज हो गया, कस्टमर नंबर चेंज है, इसका मतलब है रीजन जो है वो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो रीजन की वैल्यूज है ये सब सेल्समैन की इससे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। सही है, अब आप अगर इसको देख लें कि कस्टमर नंबर जो है उसके साथ कस्टमर नेम, सेल्समैन और रीजन ये डिपेंड कर रहे हैं, ये एरो साइन के लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट है, जो कि की एट्रीब्यूट्स है। सही है, डिटर्मिनेंट है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सेल्समैन के ऊपर रीजन डिपेंड कर रहा है। अब हर सेल्समैन की एक, हर सेल्समैन का एक यूनिक रीजन होगा, ऐसे ही है ना। देखें अहमद का साउथ है, बशीर का वेस्ट है, फिर अहमद आ गया, उसको दोबारा साउथ आ गया, ठीक है। हर सेल्समैन जो है उसका एक यूनिक रीजन है। अब इसकी वजह से क्या अनोमलीज अकर हो सकती हैं, हैं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले इंसर्शन अनोमली देख लेते हैं। जब भी कोई नया सेल्समैन ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर एक नया सेल्समैन आ जाता है शाहिद, कोई भी शाहिद नाम का आ जाता है, जिसका रीजन नॉर्थ है, सही है। अगर आपने ये ऐड करना है, आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी कस्टमर को डील ना कर ले, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की कस्टमर नंबर है, कस्टमर नंबर कभी भी नल नहीं हो सकता, इसमें लाजमी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है इधर। एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट यही कहता है ना कि नल वैल्यू लाजमी, नल वैल्यू नहीं आ सकती प्राइमरी की में, प्राइमरी की में लाजमी कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, यही बात हो रही है ना। तो बहरहाल अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट शाहिद नाम का कोई कस्टमर, कोई सेल्समैन जिसका रीजन नॉर्थ है, वो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी ना किसी कस्टमर को डील ना कर ले, एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की कस्टमर नंबर है, कस्टमर नंबर लाजमी इधर एंटर करना होगा। डिलीशन एनोमली क्या कहती है, डिलीशन एनोमली कहती है कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नंबर 6837, ये है 6837, अगर आप इसको डिलीट कर दें तो क्या हुआ, इसकी वजह से एक और इंफॉर्मेशन लॉस हो गई कि खालिद नाम का सेल्समैन जो ईस्ट रीजन में था, खालिद नाम का सेल्समैन जो था उसने सिर्फ एक ही कस्टमर को डील किया हुआ था, उसकी रिकॉर्ड सिर्फ एक ही कस्टमर के साथ था। अगर आप इस कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो इसके साथ साथ सेल्समैन का भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, सही है, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है। मॉडिफिकेशन एनोमली क्या कहती है, मॉडिफिकेशन एनोमली कहती है फॉर एग्जाम्पल अहमद नाम का जो सेल्समैन है वो भी साउथ में था, वो अब उसका रीजन चेंज कर दिया, वो ईस्ट में चला गया, इसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक जगह पे नहीं, इसकी मल्टीपल रोज में इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां अहमद का रिकॉर्ड आ रहा है वहां वहां रीजन साउथ की बजाय ईस्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको मल्टीपल चेंजेस करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। ये थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और उसकी अनोमलीज। अब आ जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, जिसमें हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देख ले क्या होता है कि ऐसा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा अगर अगर वो पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो
यानी अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने पहले उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी एक कंडीशन थी ना कि उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यानी मल्टी मल्टी ग्रुप्स रिपीटिंग ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने उन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है। ऐसे ही है ना। तो बहरहाल आपने क्या किया कि आपने पहले जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, अगर सेकंड में सेकंड वाला के लिए फर्स्ट में होना जरूरी है। बहरहाल थर्ड नॉर्मल फॉर्म की पहली शर्त है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो, यानी अगर कर रही है एग्जिस्ट तो उसको रिमूव करना है। अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी नॉन की एट्रीब्यूट। कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिलेशन, अगर कोई रिलेशन, एक रिलेशन की में नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है, तो आप उस किसी और नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू उस वैल्यू से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब है उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब है कि रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम अभी पीछे सेल्स मैन वाली एग्जाम्पल करके आ रहे हैं, अगर आप कहते हैं सेल्स मैन शाहिद, शाहिद तो खैर मौजूद नहीं था, चलो बशीर का रीजन बताओ, जो बशीर सेल्स है वो कौन सी फील्ड है सेल्समैन की, और रीजन क्या है वो भी एक फील्ड है। तो आप सेल्समैन की वैल्यू अगर आपको नोन हो, आपको पता हो, तो आप रीजन की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, रीजन की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, सही है। तो इसकी वजह से इसका मतलब है उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वही चीज है हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें है और वो कैसे इसके अंदर मौजूद है, वही पिछली स्लाइड ही है, ठीक है। अब जरा आप जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, आपने जो एग्जांपल याद कर लेनी है, आपने पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में लिखना है थोड़ा सा, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में किया। इसके बाद आपने ये लाजमी टेबल बना के, टेबल के अंदर आप जरूरी नहीं ये कस्टमर नंबर की ये वैल्यू सारी आप रट्टा मारे याद करें, आप 1, 2, 3 भी इधर लिख सकते हैं। बहरहाल आपका मकसद जो है ना वो टेबल के स्ट्रक्चर को समझाना है, ठीक है। फिर आपने इसी तरह ये चीजें लिखनी है, और उसके बाद बताना है कि इसमें ये अनोमलीज अकर हो सकती हैं, ये वही अनोमलीज हैं जो अभी हम पिछली स्लाइड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर आपने कहना है कि इसका सोल्यूशन ये है कि इस अनोमलीज को रिमूव करने का सोल्यूशन, या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाए तो ये अनोमलीज रिमूव हो सकती है। अब वो कैसे किया जाए वो अब नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं आप लोगों को जरा बता दूं यहां से। इसमें भी आपने इसी तरह पूरे रिलेशन को ब्रेक डाउन करना है, सही है। ब्रेक डाउन कैसे करना है, आपने ऐसे करना है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रही है उसको अलहदा कर दें। कैसे, आपने इतना रिलेशन पहले रख लिया, ठीक है, ये एक अलहदा टेबल बना दिया, एक अलग आपने और टेबल बना दिया जो कि ये होगा सेल्समैन और उसका रीजन, समझ आ रही है बात में, और जो रिपीटिंग रिकॉर्ड्स होंगे उनको डिलीट कर दें, समझ आई। पहले आपने एक ये जो रेड कलर का मैंने मार्क किया है, एक टेबल ये कर लिया और एक टेबल में सेल्समैन और रीजन कर लिया, सही है। अच्छा, अब इसको जरा आगे इसकी देख लें किस तरह की शक्ल बनती है। ये देखें, आपने टेबल को डीकम्पोज कर दिया या टेबल को आपने ब्रेक डाउन कर दिया। कैसे किया, क्या आपने वो वाला टेबल तो उसी तरह आपने काट दिया ना, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, नेम और सेल्समैन, और एक और सेल्समैन का नया टेबल बना दिया जिसके अंदर जो रिपीटिंग रिकॉर्ड्स थे वो जब कटे तो सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स बाकी रह गए। देखिए ना, अहमद 2 दफा रिपीट हो रहा था वो 1 दफा आ गया, ठीक है, बशीर 2 दफा रिपीट हो रहा था वो 1 दफा आ गया, और खालिद और मुनीर 1-1 दफा ही आ रहे थे वो 1-1 दफा ही आ गए। तो अब क्या हुआ, अब आप गौर करें कि सेल्समैन का टेबल ही अलहदा हो गया है जिसकी सेल्समैन प्राइमरी की है, और कस्टमर नंबर जो प्राइमरी की है किसकी, सेल टेबल की। अब ये दोनों टेबल्स, यानी सेल वन का सेल वन टेबल और रिलेशन और एस मैन रिलेशन, ये दोनों अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हैं, इन दोनों में अब कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सही है। सेल्समैन जो है वो कस्टमर नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है, कस्टमर नेम कस्टमर नंबर पे डिपेंड कर रहा है, रीजन सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो अब इसके अंदर कोई जो है आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, अब ये अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपके रिलेशन नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है, आपके रिलेशन नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप लोगों की सारी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गई। अब जो है इसको अगर आपने पेपर में डिटेल में करना है तो आप लोगों ने बुक से इसको लाजमी रीड करना है, ठीक है। ये इस स्लाइड में पॉइंट्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं इस स्लाइड में,
आप लोगों को डिटेल नहीं दी हुई, ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुक से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। चलें अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।